जंगल की दुनिया और आसपास के हैबिटेट्स में छोटे बड़े क्यों डेंजरस हर तरह के जीव जंतु देखे जाते हैं। इस मामले में समुद्री दुनिया भी कुछ कम नहीं है। समुद्र को तो अथाह जीवों का घर माना जाता है। समुद्र के इस गहराई में अब तक इतने अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखे गए कि लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, लगातार चल रही खोज में और भी कई नई नई प्रजातियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो आइए आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको समुद्र की गहराई में छुपे कुछ अनोखे जीवों से मिलवाते हैं। इनके बारे में ढेर सारी बातें जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 10, टोमोप्टेरिस वॉर्म। डीप सी में पाया जाने वाला ये क्रिएचर जितना ब्यूटीफुल है उतना ही अमेजिंग भी। ये पानी में बहुत तेजी से स्विमिंग कर सकता है। इसका शरीर इतना फ्री और स्मूथ होता है कि एक ही झटके में ये शार्प टर्न भी ले सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये बिना डायरेक्शन चेंज किए ही रिवर्स में भी जा सकता है। इस इनक्रेडिबल क्रिएचर को जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये समुद्र की गहराई में करीब 10,000 फीट नीचे पाया जाता है। इसकी हरकतें किसी रोबोट की तरह लगती है। यही वजह है कि अमेजिंग डीप सी क्रिएचर्स की इस लिस्ट में हमने इसे सबसे पहले जगह दी है। वैसे आपको ये क्रिएचर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक हम आपको ऐसे ही कुछ और क्रिएचर से मिलवाते हैं। नंबर 9, क्रोसोटा जेलीफिश। अब इस लिस्ट में बारी है क्रोसोटा जेलीफिश की। यूं तो इससे पहले आपने कई जेलीफिश को देखा होगा। इस प्लैनेट पर जेलीफिश की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है जो कि अमेजिंग होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी होती है। क्रोसोटा जेलीफिश इनमें से एक है। क्रोसोटा को डीप सी जेलीफिश की न्यू स्पीशीज माना जाता है। कैलिफोर्निया और हवाई के समुद्री इलाकों में ये अमेजिंग क्रिएचर पाई जाती है जो कि समुद्र की गहराई में करीब 1000 मीटर से भी नीचे रहती है। देखने पर ये नॉर्मल जेलीफिश से कहीं अलग लगती है। इनका अपीयरेंस फायरवर्क्स की तरह होता है, जैसे आसमान में रंग बिरंगे पटाखे छूटते हैं वैसा। यही कारण है कि सी क्रिएचर को गॉर्जियस जेलीफिश भी कहा जाता है। अगर आपको भी ये जेलीफिश पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। नंबर 8, पैसिफिक वाइपर फिश। डीप सी में पाए जाने वाले सभी क्रिएचर्स में से, खासकर फिश स्पीशीज में से, वाइपर फिश को मोस्ट अनयूजुअल माना जाता है। लेकिन इनके बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इनका अग्रेसिव नेचर, और इसलिए ये डीप सी के मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर की लिस्ट में भी शामिल है। इनका अपीयरेंस इतना डरावना होता है कि ये किसी वैम्पायर की तरह लगती है। हालांकि ये साइज में बड़ी नहीं होती, लेकिन इनके मुंह की बनावट और जानलेवा जॉस इन्हें डेंजरस डीप सी क्रिएचर बनाते हैं। कोई भी जीव अगर इनके मुंह के करीब आता है तो वो इनका शिकार होने से बच नहीं पाता। वैसे समुद्र में वाइपर फिश को देखने के लिए आपको लगभग 5000 फीट की गहराई में गोता लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यही इनका ठिकाना होता है। हालांकि भोजन की तलाश में कई बार ये लगभग 2000 फीट की गहराई तक भी देखी जाती है। नंबर 7, स्लेंडर स्नाइप ईल। रेयरली सीन डीप सी क्रिएचर। इनकी करीब 9 प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली है। ये समुद्र में ट्रॉपिकल और टेम्परेचर हैबिटेट्स में पाई जाती है। लॉन्ग टेपरिंग टेल और कर्व जॉज इस मरीन क्रिएचर्स को अमेजिंग लुक देता है। ये करीब 4 फीट तक लंबी हो सकती है। इनका मुंह मछली की तरह ना होकर पक्षी की तरह लगता है जो बाहर की ओर खुला होता है। स्लेंडर स्नाइप ईल समंदर की गहराई में ये शिकार के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। गहरे अंधेरे समंदर में शिकार करने में इन्हें महारत हासिल है। वैसे अभी तक साइंटिस्ट को इनके बिहेवियर के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इन्हें बेहद कम देखा जाता है। वैसे तो इंसान इनका शिकार नहीं करते, मगर डीप सी में कमर्शियल फिशर्स के चंगुल में ये अक्सर फंस जाती है, क्योंकि ये 1 से 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है। हालांकि इनका ये लगभग 5000 फीट नीचे तक भी रह सकती है। नंबर 6, कॉम जेली। ये जीव लगभग दुनिया के हर डीप सी में देखे जा सकते हैं। हालांकि मिड अटलांटिक रिज में ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर साइज की बात करें तो ये महज कुछ इंच के ही होते हैं। क्या आपको पता है कि ये क्रिएचर लाइट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं? यानी जब इन्हें कोई डिस्टर्ब करता है या इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये केमिकल छोड़ते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। ओवल शेप्ड इस डीप सी क्रिएचर का नाम इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख कर रखा गया। कॉम की तरह दिखने वाली इन प्लेट से ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन कॉम जेली का जेलीफिश से कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कॉम जेली जेनेटिकली एक अलग क्रिएचर है। इन्हें एक एंशियंट सी क्रिएचर माना जाता है जिनकी प्रजातियां आज से करीब 500 मिलियन ईयर्स पहले से सरवाइव कर रही है। लगभग 95% पानी से बना ये क्रिएचर वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 5, क्रिस्टल जेलीफिश। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाने वाले ये अद्भुत समुद्री जीव बेहद अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लगभग ट्रांसपेरेंट होती है जो कि ब्लू एंड ग्रीन कलर में ग्लो करती है।
भाई इनका डायमीटर करीब 10 इंच का होता है। साथ ही लॉन्ग डेलिकेट टेंटिकल्स और अमेजिंग अपीयरेंस के कारण इन्हें ग्रेट एलियन क्रिएचर भी कहा जाता है। पैसिफिक ओशन की गहराइयों में सरवाइव करने वाले ये जीव कोपोड्स, दूसरे प्लैंक्टोनिक क्रिएचर्स, कॉम जेलीज और दूसरी जेलीफिश को भी अपना भोजन बनाते हैं। सचमुच समुद्र की गहराई में मौजूद इतने सारे अनोखे जीवों में क्रिस्टल जेलीफिश की अलग ही इम्पोर्टेंस है। नंबर 4, फ्रोनीमा एम्फीपॉड। मच्छर की तरह दिखने वाले एक क्रिएचर रियल में एक एम्फीपॉड है। हालांकि ये साइज में तो छोटे होते हैं, यानी करीब 1 इंच के बराबर, लेकिन इनका अपीयरेंस किसी को भी सरप्राइज कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सेल्प्स का ये काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सेल्प्स पारदर्शी समुद्री जीव होते हैं। पहले तो ये उन पर कब्जा करती है, फिर धीरे धीरे उन्हें खाती रहती है। इतना ही नहीं, इनकी खोखली बॉडी में फ्रोनीमा अंडे भी देती है, यानी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। ऐसे क्रीपियस क्रिएचर्स इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते। बड़ी बड़ी आंखें और शार्प क्लॉज इन्हें खतरनाक लुक देते हैं। तभी तो साइज में छोटे होने के बावजूद भी ये किसी स्केरी सी क्रिएचर से कम नहीं है। नंबर 3, पोम्पाई वर्म। समुद्री दुनिया में जारी खोजों में रिसर्चर्स को कई सफलताएं मिली। इस कड़ी में साल 1980 में एक फ्रेंच रिसर्चर ने इस जीव की खोज की थी। 5 इंचेस लंबे ये क्रिएचर्स ग्रे कलर के होते हैं, जिनमें टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। इन अनोखे जीवों का रहने का ठिकाना भी अनोखा ही होता है। पोम्पाई वर्म ये अलग अलग मिनरल से खोखली नलियां बनाते हैं, जो कि इनका बसेरा होता है। लेकिन इनके बारे में एक बात जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये अक्सर ज्यादा टेम्परेचर वाले हैबिटेट्स में रहना पसंद करते हैं। इसके लिए ये हाइड्रोथर्मल वेंट का सिलेक्शन करते हैं और वही अपने पाइप्स बनाते हैं। दरअसल हाइड्रोथर्मल वेंट पानी में मौजूद छोटे छोटे वॉल्केनो की तरह होते हैं, जहां से हॉट गैसेस का सिक्रीशन होता रहता है। ऐसी जगह घर बनाना भी बड़ा दिलेरी का काम है। नंबर 2, वैम्पायर स्क्विड। वैम्पायर स्क्विड के नाम से ही लोग इनके बारे में ना जाने क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं। वैसे ये दिखने में वियर्ड तो लगते ही है। लोगों के बीच तो ये भी गलतफहमी है कि ये ब्लड सकर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अजीबोगरीब जीव को देखने पर लगता है जैसे ये ऑक्टोपस और स्क्विड दोनों का कॉकटेल है, लेकिन ये दो नहीं बल्कि एक ही जीव है, जिनकी 8 आर्म्स और 2 टेंटिकल्स होते हैं। बॉडी और साइज की तुलना में इनकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी होती है। वैसे तो इनका कलर रेड होता है, लेकिन कुछ एंगल से ये ब्लू कलर के भी दिखाई देते हैं। ये एक यूनिक क्रिएचर है, जिनकी साइज एक फुटबॉल की तरह होती है। अगर इनके हैबिटेट्स की बात करें तो ये समुद्र की गहराई में 300 से लेकर 3000 मीटर तक पाए जाते हैं। बेसिकली ये कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं। नंबर 1, बैरल आई फिश। और ये है इस लिस्ट का आखिरी मगर अनोखा डीप सी क्रिएचर। फिश स्पीशीज में इनका लुक बड़ा ही वियर्ड और यूनिक है। पहली बार में तो कोई भी इन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है। इनके फेस को देखकर आपको भी एलियन की याद आ जाएगी। फिर एक एंगल से आपको ये डॉल्फिन के जैसे भी दिख सकती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पहली बार आप इन्हें देखकर ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि इनकी आंखें कहां पर है। दरअसल इनके सिर का अगला हिस्सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जरा आप सोचिए कि अगर किसी इंसान की खोपड़ी इसी तरह ट्रांसपेरेंट हो और दिमाग के सारे पुर्जे साफ साफ दिखे तो कितना वियर्ड लगेगा, बिल्कुल बैरल आई फिश की तरह। आपको एक चौंकाने वाली बात और बता दूं कि ये अपनी आंखों को रोटेट भी कर सकती है और जिस डायरेक्शन में चाहे देख सकती है। यकीन मानिए, ऐसी अनोखी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। पर क्या आपने आज से पहले इन क्रिएचर्स को देखा था, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डीप सी क्रिएचर्स के इस वीडियो में आपको कौन सा क्रिएचर अमेजिंग लगा, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर कर दें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियोस के साथ।